वैश्विक महामारी कोरोना की मार से ईंट उद्योग अभी उबर भी नहीं पाया है कि लाल ईंट पर लागू की गई जीएसटी की नई दरों ने ईंट भट्टा मालिकों की नींद ही उड़ा दी है। ये नई दरें 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो जाएंगी। कोयले के रेट दोगुने होने से उद्योग पर पहले से ही विपरीत असर पड़ चुका है। अब सरकार ने जो जीएसटी पहले कंपाउंडिंग 1% और नॉन कंपाउंडिंग 5% थी, वो दोनों स्लैब समाप्त कर सिंगल स्लैब करते हुए उसे बढ़ाकर 12% कर दिया है। जीएसटी की इस वृद्धि से 1,000 रुपया की वृद्धि प्रति 1,000 ईंटों पर हो जाएगी, जिससे गरीबों को अपना आशियाना बनाना और भी मुश्किल हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से ईंट भट्टा मालिकों में रोष है। एक तरफ सूबे में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आवारा गोवंशों से लगातार हो रहे फसलों के नुकसान से किसानों में पहले ही गहरी नाराजगी है। अब नई जीएसटी दर लागू कर सरकार ने ईंट भट्टा मालिकों का भी दिल दुखी कर दिया है। सरकार द्वारा इस कुटीर उद्योग के साथ किया जा रहा एक पक्षीय व्यवहार को कतई उचित न करार देते हुए जिला ईंट उद्योग समिति सीतापुर मीडिया प्रभारी शैलेश जबरानी ने आई इंडिया को बताया। मैं शैलेश कुमार जबरानी, मीडिया प्रभारी जिला ईंट उद्योग समिति सीतापुर। साथियों, जैसा कि सबको पता है कि पिछले 2 वर्ष से कोरोना ने अपना उत्पात मचाया हुआ है, जिससे लगभग सभी उद्योग धंधे प्रभावित हैं। विशेषकर से हमारा ईंट उद्योग जो है कुछ ज्यादा ही प्रभावित है, क्योंकि जो उत्पादन हम लोग नहीं कर पाए लेबर की कमी से, और जो बहुत कम माल उत्पादन किया उसको बेचने में भी बड़े लोहे लग रहे हैं। इस वजह से हम लोग बहुत ज्यादा ही प्रभावित हैं, और पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल कोयला लगभग 2 गुने रेट पे हो गया है। जो पिछले साल भारतीय कोल 8 से 9 हजार रुपये में था, इस साल 16 से 17 हजार रुपये में पहुंच गया है, और उसकी भी उपलब्धता लगभग ना के बराबर है। ऐसे में जब ये उद्योग इतना पहले से ही प्रभावित है, सरकार ने हमारे ऊपर 1 अप्रैल 2022 से जीएसटी जो पहले कंपाउंडिंग 1% और नॉन कंपाउंडिंग 5% थी, उन दोनों स्लैब को खत्म करके एक सिंगल स्लैब 12% कर दिया है, जिससे जो है ईंट में लगभग 1,000 रुपये प्रति 1,000 की तेजी आ जाएगी। इससे गरीब आदमी का मकान का सपना और जो प्रधानमंत्री का एक योजना है हर व्यक्ति का घर हो अपना, वो लगभग ध्वस्त हो जाएगी और हमारा उद्योग बंदी के कगार पे आ जाएगा। हमारा उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो अपने क्षेत्र की इकोनॉमी को बहुत मजबूत करता है, क्योंकि हमारी सब लेबर जितनी भी भट्ठे पे रहती है वो उसी क्षेत्र से सब अपना संसाधन जुटाती है। ऐसे में इस कुटीर उद्योग के साथ इस तरीके के एक पक्षीय व्यवहार सरकार, मौसम और कोरोना की वजह से बंदी की कगार पर पहुंच चुके व्यापार का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के चेयरमैन रतन कुमार श्रीवास्तव ने आई इंडिया को बताया। मैं रतन कुमार श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति का चेयरमैन हूं। केंद्र सरकार द्वारा लाल ईंट पे जीएसटी की दर 1% व 5% दो स्लैब में था, जिसको बढ़ा करके 12% कर दिया गया है, जो ईंट व्यवसाय के लिए व गरीब ग्राहकों के लिए देना संभव नहीं है। लाल ईंट की खपत ज़्यादातर गाँव में और शहरों के गरीब लोग जो मकान बनाते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। मोदी जी की सबका घर जो योजना है, उसके तहत हम लोग ईंटों की आपूर्ति करते हैं। जब 12% टैक्स हो जाएगा तो ईंट पे पूरे देश में विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में उनके मूल्य के अनुसार 500 रुपये से लेकर के 1200 रुपये प्रति 1,000 टैक्स लगेगा, जो कस्टमर को देना महंगा पड़ेगा। अभी हम लोग कोयले की परेशानी से गुजर रहे हैं, देसी कोयला व विदेशी कोयला दोनों बहुत महंगा है। लगभग जो पिछले वर्ष से 2 से 3 गुना दाम बढ़ गया है। इस वर्ष जो हम लोग ईंट बनाएंगे उस पे 1,000 रुपये प्रति 1,000 अतिरिक्त ईंधन का लगेगा, और पिछले 2 वर्षों में
कोरोना काल में न व्यवसाय में उत्पादन हुआ और न बिक्री हुआ। इस वर्ष मौसम और कोरोना की वजह से परेशानी चल रही है, व्यापार बिल्कुल बंदी के कगार पर है। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि पिछले जो स्लैब था 1% और 5%, उसको न बढ़ा करके पिछले स्लैब में ही GST की दर को रखा जाए, तभी ये व्यवसाय बचेगा, अन्यथा ये व्यवसाय बंद हो जाएगा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।